एनकेटी इंटरनेशनल स्कूल और श्री शंकर शेट्टी जूनियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेशन 2019 और 20 की गई। बच्चों ने अपने हुनर से आए हुए लोगों का मन जीत लिया। स्पोर्ट्स डे की शुरुआत मसाल जला के किया गया। मौके पर स्कूल के डायरेक्टर श्री शंकर शेट्टी, बोर्डमैन और शिवसेना सेक्रेटरी सुयोग माने, साफिक अहमद सहित कई मान्यवर उस मौके पर पहुंचे, जहां शंकर शेट्टी ने सिक्का उछाल के खेल की शुरुआत। स्टूडेंट कराटे का भी दिखाया, बहुत अच्छा है। जालिम दिखाया, वो भी बहुत अच्छा लगा। उससे पूरा एक्सचेंज मिल जाता है। कराटे में भी सब सीखेगा तो लाइफ भी बचा सकता है। दूसरा भी जो कुछ भी होता है अपना खुद का अपना सेव कर सकते हैं। टीचर लोग तो अच्छे ट्रेनिंग तो दे रही है, तो उसमें तो कुछ ऐसा वाले नहीं है। और बच्चे लोग भी वो हिसाब से करेगा तो उसका भी हेल्थ भी अच्छा हो जाएगा, सब अच्छा ये भी अच्छा हो जाएगा। देखो लेकर यही कहेंगे कि ये सब देख के उनको पुराने दिन याद आ गए, हम लोग के स्कूल के टाइम के दिन याद आ गए। और इसमें ऐसा लग रहा था कि हम लोग खुद तो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं और बहुत अच्छा लगा आके। ऐसे तो बहुत सारे प्रोग्राम रहते हैं लेकिन बच्चों के साथ में आने के बाद बहुत अच्छा लगता है सारी चीज़ें देख के। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे बचपन में एक बात याद आ गई इन बच्चों को देख करके कि शरारती बच्चे होते हैं ना। मैं बहुत शरारती हुआ करता था और मैं अपनी टीचर को छेड़ता था ये बोल के कि टीचर जी हम तुम्हारे घर पर आएंगे। बोले आगे बोलो बेटा। बोले टीचर जी हम तुम्हारे घर पर आएंगे। बोले शेर मुकम्मल कर। बोले कुछ नहीं टीचर, घंटी दबाएंगे भाग जाएंगे। तो ऐसे मस्ती करता था मैं बचपन में बहुत सारी। तो आज वो बचपन की यादें वापस से याद आई हैं, ताज़ा हुई हैं। और मुझे ऐसा लग रहा था कि हर बच्चे में एक स्टैंड अप कॉमेडियन होना ज़रूरी है, क्योंकि सबको हंसाना एक खाने का काम नहीं, हंसाना बहुत ज़रूरी है। रुलाना तो दो मिनट में बच्चे को रुला सकते, लेकिन हंसाना जो है ऐसा लगता है कि किसी भगवान का घर मिल गया हुआ हंसाना, राइट है कि नहीं। बहुत अच्छा लगा स्पोर्ट्स में और आप लोगों का मैं तहदिल से शुक्र गुजार हूँ कि आप लोग भी आए इस प्रोग्राम को कवर करने के लिए। और जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय हरियाणा, नमस्कार। बुलाया इन बच्चों के लिए और मेरे को बहुत अच्छा लगा। और NKT इंटरनेशनल स्कूल का बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। और मेरे सारे मीडिया को भी थैंक यू बोलता हूँ कि आप लोग आए और इन बच्चों का हौसला अफजाई। हेड ऑफ ऑल द स्कूल्स अंडर द सेम कैनोपी एंड ट्रस्ट, आई एम प्रिंसिपल अनिल शिवदसानी फ्रॉम GS शेट्टीज इंटरनेशनल स्कूल, जो स्कूल इसी मैनेजमेंट के अंडर है और शंकर शेट्टी सर हमारे डायरेक्टर हैं। एग्जैक्टली देखा जाए तो मोबाइल एडिक्शन जो है बच्चों में वो बहुत ही गलत है और बच्चे ज़्यादा उसमें अटैच्ड हैं मोबाइल्स में। लेकिन हमारे यहाँ तो जो स्पोर्ट्स रहते हैं वो बहुत ही अच्छे रहते हैं और ये एकदम सब पेरेंट्स को और हम एजुकेशनिस्ट को पता है कि स्पोर्ट्स जो है ऑलवेज गेन्स अ अपर एज। और हमारे खिलाड़ी जो हैं इंडिया में और अच्छे अच्छे लेवल्स पे देखेंगे वो किस ज़माने में कहीं ना कहीं स्कूल्स में स्टूडेंट्स थे। तो हमारे तरफ से एक पूरा प्रयत्न रहेगा, हमारे स्पोर्ट्स टीचर्स हैं, हमारे जिमनास्टिक्स डेमोज वगैरह हमने देखे हैं, हम आगे भी बच्चों को नेशनल लेवल पे इंटरनेशनल लेवल पे भेजेंगे और देखेंगे कि स्टूडेंट्स जो हैं पढ़ाई में और पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में अपना नाम निकालें,
स्कूल का नाम निकाले राइट और मैनेजमेंट सेशन के अंदर ही होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, हर एक्टिविटी का एक अलग पीरियड रहता है। उसके अलावा शाम को भी हमारे एडिशनल क्लासेस वगैरह हमने फिक्स किए हैं जहाँ पे उनको एडिशनल एक ट्रेनिंग मिलती है। लेट मी टेल यू, हमारा एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर एवरीथिंग इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, पेरेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा नहीं भरना पड़ता है, और शाम को ऐसे एक्टिविटीज़ हम उनको स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं, और स्कूल के बाद भी वो वेट करके, खास करके स्पोर्ट्स डे हुआ, एनुअल डे जैसे है, हम पूरी तरह से मैनेजमेंट इसमें अलर्ट है, हमारी कोऑर्डिनेटर मैडम सब हम लोग ये देखते हैं कि हमारा स्कूल और आगे जाए। हमारी तरफ से पूरा सपोर्ट रहेगा, और नफ़कत इतना हम हमेशा बच्चों को नेशनल लेवल पे भेजते ही भेजते हैं, और जो बच्चे वहाँ से जीत के आते हैं तो हम उनको अच्छा एक स्पॉन्सरशिप देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं, और उनको कॉलेज में भी हम उनको फ्री एजुकेशन देते हैं, क्योंकि हमारे मैनेजमेंट के यहाँ डिग्री कॉलेजेस भी हैं इंजीनियरिंग के, तो हम पूरी तरह से उनको सपोर्ट करते हैं। दिल्ली में और फॉरेन कंट्रीज़ में, कोरिया में हम टूर्नामेंट्स में बच्चों को भेजते हैं, उनका पूरा स्पॉन्सरशिप हम खुद करते हैं। वेरी डिसोल्कर प्रिंसिपल ऑफ एम के टी स्कूल एंड विच इज गोइंग टू बी सून बी ऑलरेडी अराउंड बॉम्बे कैंपस स्कूल विद दिस ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली बहुत नहीं है, लेकिन इन्होंने बहुत सारा फेथ मैनेजमेंट ने रखा है, और इसके वजह से स्पोर्ट्स डे भले टीम नहीं है मेरे साथ, लेकिन बहुत एकजुट होके, जैसे हमें स्पोर्ट्समैनशिप बोलते हैं, हमें ट्रू स्पिरिट होती है, वो ट्रू स्पिरिट टीम में दिखाई दी, बच्चों में दिखाई दी। और आप देखोगे तो एंटायर शो, जो भी आज हमारे पास अभी गेस्ट कल भी थे आज भी थे, लेकिन उन्होंने इतनी वाहवा की है, दे वेरी हैप्पी बिकॉज हमें यूनिटी दिखी है जो एक्चुअली स्पोर्ट्समैनशिप में होनी चाहिए। और आप देख सकते हो कि जो राइट एटीट्यूड के साथ बच्चों ने प्रेजेंट किया, बच्चों में कहीं डर नहीं था, कुछ नहीं था, दे वर जस्ट एट देयर नेचुरल, बहुत ही नेचुरल तरीके से उन्होंने बिहेव किया है। दैट वॉज लाइक अमेजिंग, बिकॉज आजकल के बच्चों में वो नेचुरल लुक नहीं रहता, लेकिन आप देख सकते हो, आपने इवेंट देखा है कितने नेचुरल थे बच्चे। डेफिनेटली बहुत ज़रूरी है, सुबह तो शुरुआत ही मैं तो बोलती हूँ उन्हीं से, योगा से ही जो हमारे स्कूल में होती है। और जैसे ही पहले भी अनिल सर ने बताया कि हमारे एकेडमिक में ही हमारे ऑलरेडी पीरियड है, जहाँ पे पी पीरियड होता है, कहीं योगा होता है, कहीं कराटे होता है, तो एवरी डे लिटरली आप देखने जाए तो एक घंटा उनके पास ऐसा है कि जो आके बाहर मैदानी खेल खेल सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पूरा टाइम आते हैं स्कूल में ही बैठे रहते हैं, दे आर आउट, और हमारे पास ऑलरेडी नेशनल चैंपियंस रह चुके हैं, और हम आगे चाहते हैं कि और ऐसे बढ़ते हैं। आज का जो स्पोर्ट्स डे है वो बच्चों के लिए इतना एक्टिवेशन और एक्टिव रहते हैं बच्चे, और आज सुबह से मैं देख रही हूँ, स्कूल में रहते हैं तो पढ़ाई पे ध्यान नहीं रहता है, लेकिन इधर गेम्स में ज़्यादा ये कर रहे हैं। और यहाँ का बच्चे एक्चुअली मैंने भिवंडी में देखे हैं, बहुत जन ऐसा स्पोर्ट्स में आगे गए हुए, और हम लोग को स्कूल्स के एक नेशनल लेवल कबड्डी में भी दो बच्चे आगे गए हैं, उन लोग नासिक में जाकर फर्स्ट प्राइज़ ये करके आए, और खेल में ही नहीं डांस में भी हमारे बच्चे, जैसे सुपर डांसर में तेजस वर्मा करके शिल्पा शेट्टी के एक सोनी टीवी में प्रोग्राम आ रहा था, उसमें उसने पार्ट लिया था और फर्स्ट रनर अप जीत कर आया है। तो अलग अलग स्टेट में उन लोगों को उसको बुलाकर ये करवा रहे हैं परफॉर्मेंस, वो भी एरोबिक्स में और बहुत सारा खेल में वो भी एक्सपर्ट है सब में। और ऐसे अभी हम लोग नया एक स्कूल लॉन्च कर रहे हैं बोर्ड, एक्चुअली बॉम्बे कैंपस स्कूल करके, ऐसे 2021 को लॉन्च हो रहे हैं हमारा स्कूल,